नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरजोत है और आप देख रहे हैं फॉर लव ऑफ गैजेट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे रियलमी एक्स टी वर्सेज रेडमी नोट 8 प्रो का स्पीड टेस्ट एंड रैम मैनेजमेंट टेस्ट। लेफ्ट साइड में हमारे पास है रियलमी एक्स टी और राइट साइड पे है रेडमी नोट 8 प्रो। आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि दोनों सिमिलर वाईफाई कनेक्शन पे है या नहीं। आप देख सकते हैं। अब हम चेक करेंगे अपडेट्स। जनरली जब आप स्पीड टेस्ट या रैम टेस्ट करते हैं तो फोन्स आपके लेटेस्ट रिलीज पे हों, एप्स अपडेटेड हों, ताकि परफॉर्मेंस बराबरी की चेक हो। आप देख सकते हैं कि दोनों फोन लेटेस्ट अपडेट पे हैं। हमने इन दोनों ऐप्स को भी ऑफ किया है ताकि गेमिंग के दौरान मेमोरी रिलीज ना हो और ओवरऑल रैम मैनेजमेंट टेस्ट पे इसका इम्पैक्ट ना पड़े। चेक करते हैं स्पेसिफिकेशंस ब्रीफली। रियलमी एक्स टी आता है स्नैपड्रैगन 712 के साथ और रेडमी नोट 8 प्रो आता है मीडिया टेक G90T। दोनों ही पावरफुल प्रोसेसर हैं। रैम क्लियर करके हम फोन्स को रीस्टार्ट करेंगे और चलेंगे हमारे ऐप टेस्ट की तरफ। Redmi Note 8 Pro हो गया है ऑन और Realme XT ने लिए हैं 3 से 4 सेकंड ज्यादा। ये डिफरेंस काइंड ऑफ कंसिडरेबल है, ऐसा शो स्टॉपर भी नहीं कि इसके बेस पे आप Realme XT नहीं लें। रीबूट के बाद आपको Realme XT में 3.73 और Redmi Note 8 Pro में 3.6 GB RAM फ्री मिलेगी। हम स्टार्ट करते हैं Google Play Store से। दोस्तों ये हमारी आखिरी ऐप रहेगी और आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट Redmi Note 8 Pro ने लीड बना रखी है। मुझे उम्मीद है कि PUBG भी पहले Redmi Note 8 Pro पे ओपन होगी। जहाँ तक ऐप ओपनिंग का सवाल है, एक्सेप्ट गेमिंग ऐप आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। आप इस बेसिस पे Realme XT को इग्नोर नहीं कर सकते, पर हाँ अगर आप PUBG को हायर सेटिंग्स पे खेलना चाहते हैं तो आपको वो Redmi Note 8 Pro में ज़्यादा बेहतर मिलेंगी, क्योंकि G90T No ways is better and a stronger processor than Snapdragon 712. तो आप देख सकते हैं कि Redmi Note 8 Pro का स्कोर रहा है 10, Realme XT का 2 और दो एप्स पे ये दोनों ड्रॉ रहे हैं। चलिए अब रैम मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो रैम मैनेजमेंट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फ़ोन की परफॉर्मेंस सिर्फ प्रोसेसर पे नहीं उसकी रैम मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करती है। अगर आपके पास प्रोसेसर बहुत अच्छा है लेकिन एप्स मेमोरी में नहीं है, बार बार रीलोड हो रही हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। हेंस आप फ़ोन वो देखिए जो इन दोनों चीज़ों पर अच्छा रहे, ताकि आपको ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया मिले। डिस्पाइट 712 चिप हो, G90 हो, 855 हो, कुछ भी हो, बट देन आई थिंक रैम मैनेजमेंट का अच्छा होना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा रैम मैनेजमेंट टेस्ट भी खत्म होने जा रहा है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि Realme XT ने 4 ऐप्स मेमोरी में रखी और Redmi Note 8 Pro ने सिर्फ 2, और कुल 10 ऐप्स ऐसी थी जो कि रीलोड हुई। इट मींस कि Realme XT की मेमोरी मैनेजमेंट विद कंपैरिजन टू Redmi Note 8 Pro इज फार बेटर, बट हाँ दोनों ही में इम्प्रूवमेंट की डेफिनेटली ज़रूरत है, ये बहुत बढ़िया लेवल की नहीं है। हमने सभी ऐप्स को बैकग्राउंड में रखा है, कुछ भी क्लोज नहीं है, और अगर आप एंटूटू स्कोर देखें जो हमने पहले रन किया था, ऑलमोस्ट 30% का डिफरेंस है। आइए अब देखते हैं कि कितना डिफरेंस आता है। हाउएवर मैं यही कहूँगा कि इस स्कोर से आप बहुत ज़्यादा कैरिड अवे नहीं होइएगा, एवरीडे यूजेज में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। यस गेम ओपनिंग और खासकर पबजी की सेटिंग्स में मेजर डिफरेंस आपको डेफिनेटली दिखेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं करते तो आप कोई भी डिवाइस लीजिए, दोनों ही उस मामले में अच्छे हैं। रैम मैनेजमेंट जहाँ तक मेरा मानना है देखा हमने इतनी अच्छी नहीं है, जो कि दोनों कंपनियां बेहतर कर सकती हैं जिससे परफॉर्मेंस और अच्छी होगी, क्योंकि ऐप्स मेमोरी में रहेंगे, जल्दी ओपन होंगे, तो आपको भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया मिलेगा। देखते हैं कि फाइनली एंटूटू स्कोर इस बार कितना आता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा फॉर ऑल, और कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के द्वारा, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट नेक टू नेक आ गए हैं दोनों डिवाइस, 99% पे है Redmi Note 8 Pro और 96% पे है Realme XT। 282,000 Redmi Note 8 Pro का स्कोर आया है और Realme XT का स्कोर है 223,000। टू कंक्लूड, अगर गेमिंग आपकी प्रायोरिटी है तो आप Realme XT नहीं लीजिएगा, क्योंकि Redmi Note 8 Pro में आपको उससे बेटर सेटिंग्स मिलेंगी, लेकिन अगर आप थोड़ी लो सेटिंग्स प्रेफर कर सकते हैं तो Realme XT आपको देगा एमोलेड डिस्प्ले का मज़ा और बेटर चार्जिंग Redmi Note 8 Pro से। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।